الرجيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم خلق الإنسان انسان کو پیدا فرمایا من صلصال کالفخار بجتی ہوئی کھنکھناتی مٹی کی ٹھیکری سے وخلق الجن من مارج من نار اور جنات کو پیدا فرمایا آگ کے لپکتے ہوئے شعلے سے فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم دونوں یعنی جنات اور انسان اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے رب المشرقین و رب المغربین وہی اللہ دونوں مشرقوں کا پروردگار ہے اور دونوں مغربوں کا بھی وہی پروردگار ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے سورہ الرحمن کی یہاں تک 18 آیات مبارکہ پڑھی گئی ہے ابھی 5 آیات مبارکہ پڑھی گئی ہے آیات چونکہ چھوٹی چھوٹی ہیں جیسے کہ ابتدا یہ بات بیان کی گئی ہے اس سورت میں اللہ کریم نے اپنے انعامات گنوائے ہیں بندوں کو عطا کیے جانے والے چند انعامات کا اللہ کریم نے تذکرہ فرمایا ہے اس سے قبل کی سورت سورہ القمر میں اللہ کریم نے نافرمان قوموں کے قصے بیان فرمائے اور ایک قصہ مکمل ہونے کے بعد ایک آیت دہرائی فذوقوا عذابی و نذر فکیف کان عذابی و نذر کہ میرا ڈرانا اور میرا عذاب کیسا رہا ایک قوم کے تذکرے کے بعد اور پھر موجودہ اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی نصیحت کے لیے ساتھ یہ آیت بار بار دہرائی گئی کہ اس قرآن کو ہم نے پڑھنے اور سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے فہل من مدکر تو ہے کوئی اس کو سمجھنے اور اس کو پڑھ کر عمل کرنے والا تاکہ گزشتہ اقوام کی نافرمانی کے سے حالات یہ نہ دہرائے اور اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے اس صورت میں اللہ کریم نے اپنے انعامات اور احسانات گنوائے گنوانے کے بعد بارہا یہ آیت دہرائی فبأي آلاء ربكما تكذبان مطلب یہ ہے کہ انسان اور جن بالخصوص عمومی طور پر تمام مخلوقات تمہیں اتنے نعمتوں سے نوازا ہے تو تمہیں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے نہ کہ نافرمانی کر کے اللہ کا ناشکر بنے اس سے قبل چند نعمتوں کا تذکرہ ہوا اب یہاں انسان کی تخلیق اور اس کی اپنی پیدائش کی طرف اس کی توجہ مبذول کرائی گئی خلق الانسان من صلصال کالفخار اس انسان کی پیدائش کی ابتدا
मिट्टी से हुई। मिट्टी से अल्लाह करीम ने तमाम इंसानों के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से अल्लाह ने बनाया। मिट्टी का पानी मिलाकर गारा बनाया और उसको हवा ने और आग ने खुश्क किया। और फिर आकर यहाँ इस आयत में मिट्टी की जिस शक्ल का नाम दिया गया वो खुश्क होकर जब वो कड़क हो गई, जैसे आपके सामने है मटके वगैरह की मिसाल है, जब मिट्टी कच्ची होती है तो उसमें से आवाज़ नहीं आती, जब वो पक कर तैयार हो जाती है आप किसी चीज़ से मारते हैं तो वो बजती है और उसमें से आवाज़ आती है। तो इसमें उसका तज़किरा है, उस कैफियत का तज़किरा है जब उसका गारा बन गया और वो तैयार हो गई और खुश्क हो गई मिट्टी, तो फिर वो बजने वाली ठेकरी की तरह सी बन गई। तो उसके अंदर अल्लाह ने रूह फूंकी तो वो गोश्त और हड्डी और दीगर अज़ा पर मुश्तमिल एक कामिल और मुकम्मल इंसान बन गया। तो इंसान की असल बुनियाद मिट्टी है। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को खलकहु मिन तुराबिन, यहाँ तुराब मिट्टी को तुराब कहते हैं, इंसान को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा फरमाया। फिर आदम अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी इंसान दुनिया में आए वो आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से और नुतफे से आए। अब उसके बाद अल्लाह करीम ने यह तरतीब रखी, एक अरसा आदम अलैहिस्सलाम अकेले रहे और ये चीज़ भी अल्लाह ने इंसान की फितरत में शामिल कर दी कि इंसान अकेला नहीं रह सकता। कैदियों को जहाँ बहुत सारी सज़ाएं दी जाती हैं वहाँ कैद तन्हाई सबसे बड़ी सज़ा होती है, को उसको दीगर तमाम सहूलतों से आरास्ता पेरास्ता किया जाए, उसे खुला बेहतरीन कमरा, एसी रूम, हीटर वाला रूम, सोफे साफे, बेड शेड लगे हुए, टीवी दीगर सहूलियात उसको दी जाए, खाना पीना ठीक हो, मगर उसके पास कोई इंसान न फटके और ना कोई उसके साथ बातचीत करने वाला हो। यहाँ तक कि आज के दौर में इंसान का मुतबादिल भी बहुत है, मोबाइल है, दीगर सारो सामान है, सहूलतें हैं, ये भी कोई ना हो, अकेला हो, तो कैद तन्हाई इंसान को पागल कर देती है। कुछ ऐसा आदम अलैहिस्सलाम अकेले रहे तो उन्हें अकेले में मज़ा नहीं आया, तो अल्लाह से फरियाद की, परवरदिगार मेरा दिल बहलाने के लिए कोई साथी हो, कोई संगत हो, अकेले में मुझे मज़ा नहीं आ रहा। तो अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से, बाईं ऊपर वाली दोनों पसलियों के दरमियान में से अम्मा हवा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा फरमाया और आदम अलैहिस्सलाम से खुद उनकी जोड़ी अम्मा हवा को पैदा फरमा कर आदम अलैहिस्सलाम के दिल के बहलाने का अल्लाह ने सामान बनाया और उसको उन्होंने फरमाया कि सुकूनत इख्तियार करो, सुकून इख्तियार करो। और जहाँ भी ज़ौजैन का तज़किरा आया वहाँ साथ सुकून का लफ्ज़ आया, तो मियां बीवी की जो जोड़ी अल्लाह ने बनाई है वो सुकूनत प्लस सुकून के लिए बनाई है, वो सुकूनत भी सुकून से है। ये आपस में एक दूसरे के हमदर्द और गमखार हो, एक दूसरे के काम आए और एक दूसरे को एक दूसरे से सुकून मिले, न कि झगड़ा और लड़ाई और परेशानी और घर का माहौल जहन्नम का बन जाए। तो ये इंसान के साथी और जोड़ी के मकसद को ये चीज़ पामाल करती है। इसलिए जोड़ी का बुनियादी मकसद जो है वो सुकून हासिल करना है। तो खैर, खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फखार, बुनियादी तौर पर इंसान को मिट्टी से पैदा किया गया, फिर उसके बाद नुतफे से पैदा किया। अब बताना और बावर करवाना ये मकसूद है। अब तो ऐसे दिमाग वाला, दिमाग से और अकल से सोच सोच कर क्या क्या चीज़ें तू ईजाद करता है और कैसे कैसे काम कर जाता है, और ऐसी आँखों वाला कैसी कैसी चीज़ें तू देखता है, ऐसे कान वाला कैसी कैसी तू आवाज़ें, यानी हर तरह की आवाज़ तू सुनता है, हाथों से हर तरह का काम करता है,
और जुबान से तरह तरह के जायके तू चखता है, नाक से खुशबू बदबू सूंघता है, आंख से देखता है, पांव से चलता है, दिमाग से सोचता है, दिल अपने काम कर रहा है, जिस्म के दीगर आजा गुर्दे अपना फंक्शन कर रहे हैं, जिगर और फेफड़े अपना काम कर रहे हैं, इंसान के जिस्म में जितने अज्जा हैं सारे अज्जा अपने काम में लगे हुए हैं, तो तू अपने काम में क्यों नहीं लगा हुआ? और तुझे उस गंदी मिट्टी जिसके ऊपर तू चलता है, जिसके ऊपर तू हर तरह की चीजें डालता है, कूड़ा क्रिकेट उसके ऊपर फेंकता है, उसी चीज का बना हुआ है। अगर तुझे ऐसी उम्दा शक्ल ऐसी उम्दा तरतीब अता फरमाई तो अल्लाह ने अता फरमाई है, तेरा अपना जाती तो कोई कमाल नहीं है, लिहाजा तुझे उसका शुक्र गुजार होना चाहिए और कदरदान होना चाहिए। और फिर अगर तुझे नुतफे से बनाया है तो नुतफा तो वो चीज है, अपने जिस्म के अंदर से निकले हुए नुतफे को अपने जिस्म के ऊपर अपने कपड़े के ऊपर लगा तेरे माँ बाप बर्दाश्त नहीं करते, जब तक धोते नहीं, जब तक नहाते नहीं सलीम फितरत वाले, उनको चैन नसीब नहीं होता, तो तेरी क्या हस्तबूद है, तेरी क्या हैसियत है, तू तो वो गंदा कतरा है और तू अपने आप को कुछ समझने लगा है। अगर तुझे ना चीज से चीज बनाया, लाशय से कोई हैसियत अता फरमाई है, तो तेरा तो कोई कमाल नहीं है, कमाल तो उस परवरदिगार का है, कमाल तो तेरे बनाने वाले का है, तो तुझे बनाने वाले का शुक्र गुजार होना चाहिए, न कि खुद इतराए और अपने आप को कुछ समझने लग जाए। इसलिए फरमाया खलक इंसान मिन सलसालिन कल फखार, और साथ जिन्नात का तज़किरा इसलिए फरमाया कि इंसान के साथ जिन्नात भी, ये दोनों ही मखलूकात हैं जो मुकल्लफ हैं। इन दोनों मखलूकात को तकल्लुफ अल्लाह ने दिया, ना इसको अल्लाह ने मजबूर महस बनाया। फरिश्ते मजबूर महस हैं, उनकी अपनी कोई मर्जी है ही नहीं, वो अल्लाह की मर्जी के पाबंद हैं। ना तुझे मुख्तार कुल बनाया जो चाहे करता, फिर महदूद इख्तियार भी दिया और महदूद मजबूर भी बनाया कि अपनी मर्जी से हर काम नहीं कर सकता, बाज काम अपनी मर्जी से कर सकता है, बाज काम अल्लाह की मशियत के साथ मुअल्लक है, अल्लाह चाहेंगे तो वो काम होगा, अल्लाह ना चाहे तो वो काम नहीं होगा। तू कुछ करना चाहता है वो कर नहीं सकता। अरस्तु रब्बी बिफिस्किल अज़ाई, सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहु से किसी ने पूछा आपने रब को कैसे पहचाना, तो फरमाया मैं कल कोई काम करना चाहता हूँ और जब वो काम मुझसे नहीं होता तो मैं फिर जान लेता हूँ कि मेरे अज़ाइम और मेरे इरादों में जो रुकावट डालने वाली ताकत है, जो मैं चाहता हूँ करूँ मगर वो होता नहीं है, तो मैं समझ गया कि वो ताकत अल्लाह की ताकत, वही मेरा रब मेरा खालिक और मेरा मालिक है। तो यूँ मैंने अपने रब को पहचाना। तो बाज मरतबा काम आदमी करना नहीं चाहता उससे हो जाता है, बाज मरतबा करना चाहता वो काम नहीं होता, तो ये रुकावट डालने वाला, ये जबरदस्ती करवाने वाली, ये ताकत किसकी है बोलो? ये अल्लाह की ताकत है। तुम ना मजबूर महज बनाया, ना अल्लाह ने तुझे कामिल इख्तियार दिया, और तुझे अल्लाह ने ना फरिश्तों की तरह जरूरियात से बिल्कुल खलास कर दिया, और न जानवरों की तरह तुझे सरापा ख्वाहिश का की आमाजगा बनाया। ख्वाहिशात भी दी है, सिफात मलकूती भी अता फरमाई है, तो ये मुख्तलिफ अज्जा का अजदाद का मजमा तुझे बनाया है इंसान को। अब इन मजबूरियों और इन मुख्तारियों के होते हुए जो इंसान समझदारी से अल्लाह के अहकाम को मानते हुए निज़ाम के मुताबिक चलेगा, तो फिर वही इंसान ज़मीन पर अल्लाह का खलीफा भी है और जन्नत का मालिक और मुख्तार और जन्नत का वारिस भी है। वरना फिर यही इंसान जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि लक़द खलक़ना इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, बनाने की जितनी खूबसूरत और उम्दा शक्लें थी उनमें सबसे उम्दा शक्ल तुझे अता फरमाई,
और अगर तू फिर अपने मनसब और मकसद पर कायम नहीं रहेगा तुम मरदद ना हो असफला साकिरीन, फिर जो नीचे से निचले हैं तबकात हैं उनसे भी तुझे नीचे गिरा दिया जाएगा, तो वो है जहन्नम और ये है जन्नत। इसलिए वो खलक अल्जान्ना मिन मारिज बिन नार, जन्नत को अल्लाह ने आग से पैदा फरमाया, आग से पैदा फरमाया, ये दोनों मुकल्लफ मखलूकात है। जब ये सारी सूरत हाल है तो ए जिन्नो इंस फबी अय्य आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुझे नीस्त से हेस्त अता फरमाई, नाबूदी से तुझे बुअत अता फरमाया, कुछ न था सब कुछ तुझे बनाया, तेरे पास कुछ न था सब कुछ तुझे अता फरमाया, तो तुझे अपने आप को कुछ नहीं समझना चाहिए, उसकी इताअत करके मान के चलना चाहिए, तो उसकी किस किस नियामत को तुम झुटलाओगे। लिहाजा मतलब क्या है कि हर नियामत का शुक्र अदा करो, नियामत की कदरदानी करो, उसकी मारो। और रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन, दोनों मशरिकों और दोनों मगरिबों का भी वही परवरदिगार है। ये चार समतें, यहाँ मशरिक मगरिब जुनूब शिमाल मुराद नहीं है, मशरिक दो मशरिक और दो मगरिब सूरज और चांद के निकलने और डूबने के मकाम के एतबार से है। ये गर्मियों सर्दियों में बहार और खजा में सूरज के निकलने और डूबने के मकाम अलग अलग होते हैं। इधर से डूबना शुरू होता है आस्ता 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 होते 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 उस तरफ डूबना इंतहा तक पहुंच जाता है, फिर वापसी होती है। इसी तरह पीछे से पश्चिम से निकलने की भी तरतीब ये होती है, यहाँ से निकलना शुरू होता है फिर उस तरफ निकलता है। इसलिए इन दोनों समतों को दो मशीन और दोनों समतों को दो मगरिब अल्लाह करीम ने बयान फरमाया। तो अब अल्लाह करीम ने ये तरतीब रखी और इस तरतीब में भी कहीं कोई खलल तुझे नजर नहीं आएगी। तू साल की जंतरी और मौका देख ले, देख के अंदाजा कर गुज़िश्ता साल जिस तारीख को सूरज जहाँ से निकला था आइंदा साल भी उसी तारीख को उसी जगह से निकलेगा और वहीं ग़ुरूब होगा। और इस बात के पुराने ज़माने के बूढ़े औरों का तो मुझे नहीं पता, मेरे वालिद मोहतरम अल्लाह करीम रहमत फरमाए वो तो सूरज की निशानियाँ उन्होंने, चूँकि पहाड़ी इलाका पहाड़ी इलाकों में पहाड़ों की निशानियाँ बता निशानियाँ थी, वो बताते थे कि फला तारीख को सूरज यहाँ से निकलेगा तो बारिश होगी, फला तारीख को सूरज यहाँ से निकलेगा उस वक्त बादल छाएंगे, वो खुश्क मौसम होगा। उन निशानियों को देखकर मेरे वाले साहब हमें बताते थे और लोग आके पूछते थे कि बारिश होने में कितना अरसा बाकी है, तो सूरज को ग़ुरूब होता हुआ देखकर मेरे वाले साहब बताते थे इतने दिन बाकी हैं। और इसी तरह नमाज के अवकात इनको चीज़ों को देख कर वाले साहब बताते थे। बहरहाल मतलब यह है रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन, इन चीज़ों के अंदर ऐसे एदाद व शुमार और हिसाब किताब अल्लाह ने रखे हैं, तो वो अल्लाह है, तो उस अल्लाह की तुम किस किस नियामत की नाकदरी करोगे और इनकार करोगे। लिहाजा हर नियामत की कदरदानी करनी चाहिए और शुक्रगुजारी इख्तियार करनी चाहिए। अल्लाह करीम हम सबको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।